न्यूट्रेला फूड तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सबा काजी और आज हम बनाएंगे न्यूट्रेला सोया मसाला पाव। ये एक महाराष्ट्रियन फेमस स्ट्रीट फूड है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे न्यूट्रेला का रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें अब हम डालेंगे चॉप्ड अनियंस। प्याज को बिल्कुल नरम होने देना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। प्याज हमारे हल्के नरम हो चुके हैं, इसमें अब हम ऐड करेंगे चॉप्ड ग्रीन चिलीज। हरी मिर्च को भी हमें थोड़ी देर भुनने रखना है ताकि इसका जो तीखापन है ये तेल में छोड़े। अब इसमें हम ऐड करेंगे इस डिश का मेन इंग्रेडिएंट जो है स्लाइस्ड टमेटोज। बिल्कुल इन्हें फाइन स्लाइस करना है जिस तरह मैंने किए हैं यहाँ पे। और अब हम इन स्लाइस्ड टमेटोज, अनियंस और ग्रीन चिलीज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अपना पानी ना छोड़े इसमें। हमारे टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं, अब वक्त आ रहा है कि हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करें। सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नींबू जूस। इन सारे मसालों को हमें अच्छे से भुनना है। टमाटर का फ्लेवर ऐसा होता है कि कभी मीठा कभी खट्टा, इसीलिए नींबू जूस में ऐड किया जाता है ताकि जो खट्टापन चाहिए हमें इस मसाला पाव में उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रखे, जस्ट इन केस आपके टमाटर उतने खट्टे ना हो। इसे हम बिल्कुल 2 मिनट पकने देंगे और फिर ये रेडी है। मसाला मिक्स हो गया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे न्यूट्रेला के प्री कुक्ड सोया ग्रैन्यूल्स। ये सोया ग्रैन्यूल्स इस डिश में ये इंश्योर कर रहे हैं कि इसमें प्रोटीन हाई रहे और बिल्कुल फैट फ्री रहे, तो ज़रूर इस मिक्सचर को आप ट्राई करना। सोया ग्रैन्यूल्स बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं लेते पकने के लिए, तो अगले 5 मिनट में ये हो जाएंगे तैयार। तो मसाला हो गया है हमारा तैयार, चलिए वक्त आ रहा है कि हम अपने पाव को भी मक्खन में पैन टोस्ट करें। इसके लिए हमें चाहिए 1 क्यूब ऑफ बटर, 1 क्यूब ऑफ बटर और ये रहे हमारे पाव। तो हमारे पाव भी बिल्कुल टोस्ट हो चुके अच्छे से बटर में। चलिए करते हैं न्यूट्रेला सोया मसाला पाव की प्लेटिंग। हरा धनिया जो इसमें हम गार्निश करेंगे, एक मक्खन। हमारा न्यूट्रेला सोया मसाला पाव हो गया है तैयार, जरूर ट्राई कीजिएगा आप भी अपने घर में। न्यूट्रेला फूड तक को यूं ही देखते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए।